प्योर कंपटीशन एंड शॉर्ट रन जब हम प्योर कंपटीशन की बात करते हैं दिस इज बेसिकली वेरी क्लोज एग्जांपल ऑफ परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट स्ट्रक्चर इन प्योरली कंपिटेटिव मार्केट स्ट्रक्चर हमारी एज्पशन ये है कि वहाँ पर सफिशेंटली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और फिर उसके साथ साथ द प्रोडक्ट दैट इज बींग ट्रेडिड इन द मार्केट दैट इज होमोजीनियस इन नेचर और फिर जब आप हाँ बात करते हो एंट्री एंड एग्जिट की तो हमारी यहाँ पे आप कह लें इस मार्केट का करेक्टरिस्टिक्स होता है कि देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट तो जब आप प्योरली कंपिटेटिव मार्केट की बात करते हो तो हमारी एजम्प्शन ये है कि यहां पे जो आपकी एंट्री एंड एग्जिट हो रही है इट आल्थो इन्वॉल्व सम कॉस्ट बट दैट कॉस्ट इज मिनिमम और फिर हम ये भी कहते हैं कि इन दिस मार्केट स्ट्रक्चर बायर एंड सेलर है लेकिन जब आप शॉर्ट रन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन में हम बेसिकली दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर

कि आलतू सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली करो बट इट इज वेरी स्टीपर अब इस मार्केट में आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो उस पॉइंट पे होगा वेयर मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू तो मार्केट डिमांड और द पॉइंट वेयर मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू तो मार्केट डिमांड तो उस पॉइंट पे जो आपकी प्राइस होगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगी वो आपकी मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहलाएगी और उस पॉइंट पे जो क्वांटिटी है दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आर मार्केट क्लियरिंग क्वांटिटी जब आप यहां पे इक्लिब्रियम ऑब्जर्व हो गया तो ये इक्लिब्रियम आपका चेंज हो सकता है इफ देर इज एनी शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज मैं यहां पे कहता हूं कि वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट दैट इज बिंग प्रोड्यूस बाई द फार्मर तो हॉरिजेंटल एक्सिस पे हम कोई भी एग्रीकल्चरल ले आउटपुट ले लें कि जी उसकी हम क्वांटिटी हारिजेंटल एक्सिस पे ले रहे हैं प्राइस हम उसकी वर्टिकल एक्सिस पे ले रहे हैं तो इस केस में ये जो आपके पास एक पॉजिटिवली स्लोप लाइन है दिस इज बेसिकली सप्लाई करव सप्लाई करव ऑफ दैट एग्रीकल्चरल आउटपुट इन शॉर्ट रन और यहीं पे अगर मैं डिमांड की बात करूं इन मार्केट तो डिमांड कर्व इज अ डिमेंड करोप कर इस डायग्राम में जिस पॉइंट पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि दिस इज द इक्विलिब्रियम दैट प्रिवेल्स इन दार्केट उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जिधर डिमांड एंड सप्लाई आपकी इक्वल हो गई तो हम वहां पे कहते हैं कि यहां पे आपके पास एक इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑब्जर्व होगी कि उस मार्केट में फार्मर जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए जो प्राइस होगी उसके आउटपुट की वो पी ई -E होगी और दिस प्राइस इज बेसिकली डिटर्मिंड इन द मार्केट वेयर ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर और फिर हम यहां पे ये यह भी बात करते हैं कि इस मार्केट में क्योंकि सिंगल बायर सिंगल सेलर हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस तो यहाँ पे जो भी प्राइस है आपकी प्राइस दैट एंड प्रोड्यूसर आर फार्मर हैज प्रोड्यूस हिज लेवल ऑफ आउटपुट अगेंस्ट द गिवन प्राइस और अगर मैं पे इस सारे को समराइज कर दूँ तो मैं अब यहां पर यह कह सकता हूं कि अंडर इन प्योर कम्पिटिशन अंडर शॉर्ट रन प्राइसिस आर डिटर मार्केट लेकिन जब आप बात करोगे प्राइसेज आर डिटर दार्केट लेकिन प्रोड्यूसर क्या डिसाइड करेगा प्रोड्यूसर विल डिसाइड फार्मर विल डिसाइड अबाउट द लेवल ऑफ द आउटपुट हाउ मच इट शुड प्रोड्यूस अगेंस्ट द दिब्रीम प्राइस अगेंस्ट द प्राइस दैट प्रस इन द मार्केट